ग्वालियर का गुजरी महल जो गवाह है एक सच्ची प्रेम कहानी का। ये महल हमें अतीत की सुनहरी यादें दिलाता है। ये महल प्रेम के उस नाजुक पलों को सहेजे हुए हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज भी इस महल की दरों दीवारों पर प्रेम की अमर कहानियां अंकित है। लेकिन मोहब्बत का ये गुजरी महल अब दुर्दशा की भेंट चढ़ता जा रहा है। ये महल अब असामाजिक तत्वों और मदिरा प्रेमियों का अड्डा बन गया है। अव्यवस्था ही अब इसकी पहचान बन चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। मोहब्बत के महल की दुर्दशा, सच्ची मोहब्बत का प्रतीक गुजरी महल अब बन गया है मदिरा प्रेमियों का अड्डा। यहाँ आए दिन छलकते हैं जाम, यहाँ लगा रहता है असामाजिक तत्वों का जमावड़ा। एएसआई और राज्य सरकार कर रही अनदेखी। अव्यवस्था की भेंट चढ़ा ऐतिहासिक महल ग्वालियर का गुजरी महल। प्रेम की वो अमिट दास्तान है जिसने निन्नी और मानसिंह को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया है। कभी इस महल की दरों दीवारों पर प्रेम की अमर कहानियां अंकित हुआ करती थीं, लेकिन अब ये महल असामाजिक तत्वों और मदिरा प्रेमियों का अड्डा बन गया है। अव्यवस्था ही अब इसकी पहचान बन चुकी है। इस ऐतिहासिक धरोहर से एएसआई और राज्य शासन के बीच आपसी तालमेल नहीं होने के कारण इस किले की दुर्दशा हो रही है। जब हमने इस बारे में पड़ताल की तो पता चला कि गुजरी महल संग्रहालय और उसके आसपास का एरिया कबूतरखाना और प्राचीन कुंड राज्य शासन के अंतर्गत आता है, लेकिन इसे सहेजने में शासन दिलचस्पी दिखाने में नजर नहीं आ रहा है। यहाँ आए दिन असामाजिक तत्व शराब पार्टी करते हैं। किले की दीवारें कई जगह से टूटी होने के कारण कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है, कुछ लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राजा मानसिंह पैलेस के मुख्य द्वार पर अवैध अतिक्रमण कर मार्केट का निर्माण किया गया है, जहां गंदगी का अंबार भी देखने को मिलता है। असामाजिक तत्वों द्वारा यहां आए दिन पर्यटकों से भी सही व्यवहार नहीं किया जाता है। तो यहां हम टिंकू दूसरी दुकान पे आए हैं। टिंकू जी, इनके पूछेंगे भाई कैसा धंधा चलता है, क्या यहां पर सैलानी आते हैं नहीं आते हैं। टिंकू जी, हाँ महाराज, ये आपका चैनल पर स्वागत है। हाँ नमस्कार टिंकू जी। तो ये आपका धंधा कैसा चलता है यहाँ? धंधा अभी तो थोड़ा सही चलता है, गर्मियों में बहुत डाउन हो जाता है, फिर परेशान रहते हैं। नहीं तो ये दुकान की जो लागत है आपने लगाई है? बस दाल रोटी चल रही है और कुछ नहीं है इसमें। दाल रोटी चल रही है, बस दाल रोटी। कितना किराया देते उसका? किराया कुछ नहीं देते, फिर वैसे ही चल रहा है, दाल रोटी चल रही है। नहीं नहीं किसी परमिशन परमिशन किसी का नहीं है। मतलब आपको यहाँ पोर्ट वाले आते नहीं, हटाते नहीं? नहीं नहीं नहीं। कारण कोई, अपन पैसा थोड़ी सामान बेच रहे हैं, खाने पीने के। टूरिस्ट आता है इसको, उनको सुविधा है खाने के लिए आते हैं, उनको मिल जाता है यहाँ पे। नहीं पानी भी नहीं यहाँ पे, परेशान होता है टूरिस्ट। टूरिस्ट कहता है कि महाराज हमको कुछ है ही नहीं यहाँ पे खाने के लिए। कुछ भी नहीं, नहीं किराया वगैरह। लाइट वाइट इसका बिल जमा? लाइट तो बिल उसका बिल देते हैं। अच्छा बिल देते हैं, किराया जमा नहीं होता? नहीं किराया नहीं होता इसका। ये कोई किराया ही लगा लो, कोई हटाने भी नहीं आता? नहीं नहीं आते हैं, हटाने आते हटा लेते हैं। नगर निगम के आते हैं हटा लेते हैं। नगर निगम थोड़ी आता है इसके अंडर में? नहीं तो नगर निगम के ही आते हैं हटाने। नगर निगम के अंडर नहीं, ये स्टेट के अंडर में, ये आपको नॉलेज नहीं है? नहीं तो नगर निगम वाले आते हैं हटाने के लिए, हटा लेते हैं। उनको लगता है कि ग्वालियर नगर निगम अंडर में आते ही नहीं भैया ये, तो कैसे हटाने आ जाएंगे? ये ग्वालियर नगर निगम के अंडर में है ही नहीं, तो हटाने कैसे आ जाएंगे आपके पास? नहीं तो ये है नहीं आता, वही है हटाने के लिए, जैसे तो मैं कोई कंप्लेंट करे। वहीं जब हमने एएसआई के असिस्टेंट अधीक्षक एसएम राठौर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम कई बार ग्वालियर कलेक्टर को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके पश्चात हमने स्थानीय दुकानदारों से भी बातचीत की तो दुकानदारों का कहना है कि हम 25 सालों से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, जिसकी हम रसीद कटवाते हैं। इसके अलावा यहाँ दुकानदारों को लाइट के कनेक्शन भी दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यह कनेक्शन किस आधार पर दिए गए हैं। इसका संतोषजनक जवाब ना तो संबंधित अधिकारी दे पा रहे हैं और ना ही जिले के बड़े आला अधिकारी। इससे साफ जाहिर होता है कि एएसआई और मध्य प्रदेश शासन की लापरवाही से ये ऐतिहासिक किला दुर्दशा की भेंट चढ़ता जा रहा है। ग्वालियर से संवाददाता योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। इसमें तो ये तो हाई लेवल से है, और ये स्टेट आर्कियोलॉजी का और सेंट्रल का अलग अलग पोर्शन है जो स्टेट डील कर रही है, संभाल रही है मोनूमेंट्स को, और एएसआई को सेंट्रल का है। अच्छा सर, ये कबूतर खाना किसके अंडर में है सर? ये तो जानकारी नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ हो सकता है।
हमारे तो इधर प्रोटेक्टेड गेट हैं एएसआई के। सर एक सवाल और था मेरा कि जैसे कि आपके कैंपस में ये यहाँ पर ये दुकानदारों दुकान लगा रखी है, कई दुकानदार कह रहे हैं 25 साल से, तो सर के ये आपने इस पर अभी तक क्या कार्रवाई की सर, तो थोड़ा बताएं। यहाँ अपने सेंट्रल से एएसआई से बराबर जिला प्रशासन को नगर निगम को लेटर जाते रहे इनको हटाने के लिए, पर क्यों कार्रवाई नहीं की ये पता नहीं, पर हम प्रशासन को ही लिख सकते हैं कार्रवाई करने के लिए। तो प्रशासन को आपके क्या कलेक्टर महोदय को लेटर दिया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिया है। तो उनने क्या कार्रवाई की? अभी तक वो ये जानकारी उनसे ले सकते हैं क्योंकि हमारी तरफ से बराबर लेटर जा रहे हैं इनको हटाने के लिए कि ये इलीगल है और शासकीय लैंड पर है।